कीटाणु मूत्र अनेक प्रकार के जो दुष्प्रभाव करते हैं, ऐसे सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं इससे। जब हमारे को बताया जाता है घरों में भी अगर ऋणात्मक उसको हटाना है, बैक्टेरियाओं को भगाना है, मारना है, तो अपने घरों में गौमूत्र से पोछा आदि वगैरह लगाने का विधान है और हम लगाते हैं। और शुद्धिकरण के लिए भी गौमूत्र छिड़का जाता है, तो इससे बहुत अनेक प्रकार के जो बैक्टेरिया पनपते हैं। देश में ये कोरोना का एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि विदेशियों का प्रचार हो, विदेशी दवाइयों का प्रचार हो। हमारे ऋषि मुनियों के बहुत पहले से खोज है। आज ये कोरोना वायरस तरह तरह की बीमारियां आ रही है, ये सरकार का एक एजेंडा है जो कि लोगों को जानकारी नहीं है। अभी करूंगा तो हम प्रसाद चढ़ा के उनको भी शांत करेंगे और गो माता का हम प्रार्थना करते हैं। सब लोग गो माता से आह्वान करते हैं, सब लोग अपना पकड़ लो, गो माता की जय, सबको निरोग उत्पन्न करो, सभी पूरे विश्व से वो करते हैं ये गौमूत्र का सेवन करें। जय गो माता की।